वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आशा करते हैं जितने भी लोगों का कल एग्जाम था उन सारे लोगों ने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया एंड आगे जितने भी लोगों का एग्जाम है उन सारे लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है न तो हमने पूरा दिन कल रिव्यू किया आई होप जितने भी लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हो बैंकिंग एग्जाम से दे आर इक्वली फॉलोइंग द रिव्यू रिव्यू का एक बेनिफिट ये होता है आप लोग को सारे लोगों को पता होगा कि हम लोग रेडी हो जाते हैं है नहीं? कि कि नहीं हमारे सामने किस तरीके की मुश्किलें आ सकती है या पेपर का लेवल क्या है दैट एक्चुअली गुड इन मेकिंग प्रिपरेशन ओके अप टू ग्रेटेड अब देखो अगर आज के पेपर का ओवरव्यू हम लोग देखें तो आज के पेपर में एज यूजुअल कितने एडिटोरियल है चार आर्टिकल है तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमें दिख रहा है वो कुछ इस तरीके का हेडिंग के साथ आया है ब्लैक एंड ग्रे हम लोग को दो मुहावरे पते हैं ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा पता है क्या ब्लैक एंड ब्लू तो आप लोग तो क्या मुझे ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग बताओगे चैट बॉक्स में दो ये नहीं है हमारे क्वेश्चन में लेकिन फॉर जनरल नॉलेज ब्लैक एंड व्हाइट जब हम लोग बोलेंगे एज एन इडियम क्या होता है उसका मीनिंग देखते हैं तब तक कौन कौन जुड़ चुके हमारे साथ माइंड ऑफ टेक्निकल वेरी गुड मॉर्निंग कश्य को वेरी गुड मॉर्निंग जयदीप सर को भी गुड मॉर्निंग नेक्स्ट उसके बाद रेहान सर को गुड मॉर्निंग और कौन है विश्वजीत सर गुड मॉर्निंग शिवम सर को भी गुड मॉर्निंग और कौन है कुलदीप सर वेरी गुड मॉर्निंग प्रकाश को भी वेरी गुड मॉर्निंग और प्रियंका मैम है हमारे साथ फटाफट बाकी जितने भी लोग हैं हमारे साथ अभी फटाफट फट फट अपना प्रेजेंस दिखाइए और मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है और ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है Uh, बुरा हाल करना ब्लैक एंड ब्लू एकदम करेक्ट कुलदीप सर आपने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है कुलदीप सर ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है और आंसर है क्या बुरी तरीके से पिटाई करना जब कोई इंसान को बुरी तरीके से पिटाई करते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं कुटाई करना है, है ना इन इंग्लिश वी यूज द टर्म थ्रैशिंग सीवियरली फाइन सो वेन अ पर्सन इज मर्सीलेसली बीटन छोटे छोटेस आ जाते हैं देन वी विल यूज दी वॉज बीट इन ब्लैक एंड ब्लू मतलब बहुत मर्सी उसको पिटाई किया गया एंड वेन वी टॉक अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट इसका मतलब या तो आप फॉर्म में बोलोगे या तो आप अगेंस्ट में बोलोगे है ना कोई भी चीज को अगर फॉर में बोलेंगे तो वो व्हाइट का रेफरेंस होगा कभी भी किसी चीज को अगर अगेंस्ट में बोलेंगे तो ब्लैक तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है आइदर फॉर और अगेंस्ट अब उसमें एक छोटा सा प्रपोजिशन लगाते ही सिचुएशन बदल जाएगा मैंने बोला एज्यूम करते हैं मैंने किससे बोला मैंने संजीव यादव सर से बोला सर वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो यू विल हैव टू गिव मी इन ब्लैक एंड व्हाइट अब बताओ क्या मेरा मतलब फॉर या अगेंस्ट है मैंने संजीव सर से बोला संजीव सर वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो यू विल हैव टू गिव मी इन ब्लैक एंड तो देखो इस बार हमने ब्लैक एंड व्हाइट के सामने आई एन इन वर्ड को लगा दिया कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द टर्म इन ब्लैक एंड व्हाइट इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब कोई भी बताएगा क्या मुझे प्लीज टेल मी गुड मॉर्निंग पलक शंकर विनय और कौन है रोहित अमन राजेंद्र सर माही और कौन कौन है विजय प्रताप राहुल सर हनुमान सर अजीत सर संजय सर अफरोज मैम अफरोज मैम है नहीं सर है सॉरी सॉरी विजय सारे को वेरी गुड मॉर्निंग अच्छा अभिनव सर का आज पहला क्लास है अभिनव सर वेलकम टू आर क्लास यस इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब देखो पलक मैम ने सबसे पहले आंसर दे दिया है इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में देना है ना आपको लिख के बताना पड़ेगा YouTube के क्लास में तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल नहीं सकते जैसे हमारे एम के क्लासेस चलते हैं महेंद्राज इंटरक्टिव क्लासेस है ना तो YouTube वाला जो ओपन प्लेटफॉर्म है इसमें आप लोग को लिख के बताना पड़ेगा तो कैसे बताने को है आप लोग इन ब्लैक एंड व्हाइट है ना चलिए वेरी गुड वेरी गुड एकदम करेक्ट टेकिंग ब्राइब नहीं डियर टेकिंग ब्राइब इज नॉट द करेक्ट आंसर टेकिंग ब्राइब इज नॉट द करेक्ट आंसर अश्विनी को भी वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है तो ये ब्लैक एंड ग्रे किस मैटर पे है जरा पढ़ते हैं पाकिस्तान बट डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान जो टेररिस्ट के अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं वो दिख तो रहा है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है मतलब क्या वो दिखावा तो नहीं है कि हम सामने से बोल रहे हैं हाँ हम तुम्हारे अगेंस्ट है और पीछे से बोल रहे हैं ठीक है बेटा जो कर रहे हो करो है ना ऐसा नहीं फाइन माहे का भी आज पहला क्लास है वेलकम माहे जितने भी लोगों का आज फर्स्ट क्लास है आप सारे लोगों को वेलकम फाइन तो यहाँ पे ब्लैक एंड ग्रे का मतलब संदेह से रिलेटेड है तो ये पहला लाइन जो हमारा थीम है यही बता दे रहे हैं कही कहीं ना कहीं डाउटफुल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं दूसरे आर्टिकल में चले दूसरा आर्टिकल क्या बोल रहा है ए नॉट टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ हाउस वर्क तो कौन से गवर्नमेंट ने ये सारा डिसीजन किया है तो थोड़ा सा उसके लिए पढ़ेंगे देर इज एन एजेंडा ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड नॉट जस्ट द महाकाल निधि मैम कुड इनकॉर्पोरेट मतलब साउथ के कोई पार्टी होंगे ये जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है इलेक्शन का कि अब जो फुल टाइम हाउस मेकर्स है है कि नहीं जो जिनको हम लोग बोलते हैं क्या हाउस वाइफ जो फुल टाइम होम मेकर्स है या हाउस मेकर्स है उनके लिए है ना उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा टाइप ऑफ पेमेंट दिया जाएगा या कोई मनीटाइज या कोई बेनिफिट दिया जाएगा क्योंकि बताइए मेहनत तो उनका भी उतना ही होता है जो लोग बाहर जाके ऑफिस में काम करते हैं उनको तो सैलरी मिलता है लेकिन घर के कामों के लिए कोई रिकॉग्नाइजेशन मिलता है क्या नहीं तो ये मुद्दा इस पार्टी ने उठाया है कि अब उनको भी रिकॉग्नाइजेशन मिले फाइन सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है

किग्स इज अ काफ़ गैदरिंग जैसे जलसा होता है ना जलसा बोलते हैं इट्स अ काफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस उसको शॉर्ट फॉर्म में गिग्स बोलते हैं ऐसे याद रखना ठीक है तो इट्सिंग रिलेटेड टू अ कंसर्ट काइंड ऑफ थिंग जैसे हम लोग कंसर्ट में जाते हैं वैसे कंसर्ट के जैसा ही एक असेंबली है जहाँ पे म्यूजिकल चीजों पर बातचीत होता है या म्यूजिक बचाया जाता है फाइन तो क्वालिटी गिग्स अ सोलूशन टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में ये जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है

Identify, चलो मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा है ना जब हम लोग मैक्सिमम टर्म को यूज करते वी यूज मैक्सिमम उसका मतलब क्या है ज्यादा ज्यादा से गवर्नर मतलब जिसका जो औधा औधा है है जैसे मेरा क्या आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी यस ऑन नो तो मैं अपने औधे में ही ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर सकती हूँ इंग्लिश रिलेटेड जितनी भी क्लासेस है आई कैन टेक लेकिन अगर आप लोग तो मुझे रिक्वेस्ट करने लगे कि मैडम आप मुझे रीजनिंग पढ़ाओ तो हो गया आपका कर लिया मुझे खुद ही ठीक से नहीं आता तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे आपने बोला मैथ्स तो थोड़ा बहुत आता है जितना टू परसेंट थ्री परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट मुझे आता है उतना आपको सिखा सकते हैं फाइन तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नर का जो औधा है उसकी गरिमा को मेंटेन रखना चाहिए ये बात हमारे इस आर्टिकल का कुछ मुद्दा हो सकता है है ना तो मैक्सिमम गवर्नर का मतलब क्या है तो so, गवर्नर दो इसका मीनिंग हो सकता है मैक्सिमम गवर्नर कुछ कर रहे हैं ऐसा हो सकता है या गवर्नर अपने राइट्स को अपने ऑथेंटिसिटी uh, को अपने ओधे के अकॉर्डिंगली ही यूज करेंगे उसको मिसयूज नहीं करेंगे ये भी इसका मुद्दा हो सकता है एंड टू वी विल हैव टू रीड इट फर्दर गवर्नर्स शुड नॉट एक्सीड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज टू सर्व एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर मतलब गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा काम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से बाहर जाके सेंटर का एजेंट बन के काम करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है इनफैक्ट करना नहीं चाहिए है ना तो ये है मुद्दा हमारे आज के इस आर्टिकल का जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले फाइन सो लेट्स डाइव इन टू द टॉपिक शुरू किया जाए आज का क्लास तो यहाँ पे देखो एज यूज़ुअल हम लोग एवरी डे के करिकुलम में मैंने एक छोटा सा चीज आपसे प्रॉमिस किया था लेकिन कल जितने भी लोगों ने शायद सेंड किया होगा मुझे टाइम नहीं मिला डियर आपका डिस्क्रिप्टिव चेक करने का ठीक है तो इसीलिए ये थोड़ा सा आज भी डिले हो जाएगा आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज 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 गुड गुड फाइन पॉसिबल ओके तो सबसे पहला हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे उसके बाद उस आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी वोकेबलरीज है हमारे है ना उस आर्टिकल से एक्सक्यूज मी वंस उस आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी हमारे वोकैबुलरीज होंगे उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे है ना तो देखो यहाँ से रिलेटेड होने चाहिए और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे वन तो वर्ड ऐसे हम लोग रखते हैं टू न्यू वर्ड्स फाइन आफ्टर दैट वन वर्ड सब्सिट्यूशन हो गए तो नेक्स्ट आता है इसमें भी two new phrase. का हम लोग दो नया सीखते हैं, है ना? फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में कोई phrasal verb या कोई या है, तो उसको हम लोग करेंगे ग्रामर दैट इज इन्वॉल्व इन द आर्टिकल आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई ग्रामर का रूल बताने लायक होता है तो हम डेफिनेटली उसको भी हाईलाइट करके बता देते हैं है ना? मैम पीडीएफ शेयर ग्रुप में प्लीज ऑफ Of course, अभी जी, कर देंगे। हिमांशु सर क्या बोल रहे हैं मैम जैसे ये होता है मैं खेल रहा फनी क्वेश्चन uh, okay, okay. है ना आई एम मैरिंग आप तब बोलोगे जब आप मंडप में बैठे हो या फेरे ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आप बोलो कोई इश्यू नहीं है है ना आई एम गेटिंग मैरिड इज अ बेटर वे ऑफ Using it because वो आपका स्टेट है डियर ठीक है वो आपका एक स्टेट है जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोलॉन्ग होगा इसीलिए वहां पे गेटिंग वर्ड पे हम लोग थोड़ा साइज दे देते हैं आई गएस हिमांशु क्लियर करने का कोशिश किया है कि नहीं चलिए और बाकी किसी का कोई डाउट है कि नहीं एक बार देख लेते हैं अच्छा स्वाति मैम बेस्ट ऑफ लक अच्छे से एग्जाम दीजिए है ना पेपर बहुत ही इजी आ रहा है इंग्लिश का तो बिल्कुल टेंशन नहीं करना है थोड़ा लेंदी है लेकिन आप टाइम निकाल के करना आराम से आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह किया है है कि नहीं चलो नेक्स्ट उसके बाद आर्टिकल में आते हैं फिर आगे पढ़ा जाएगा आप लोग का डाउट फिर बीच बीच में देख लिया जाएगा चलिए मैक्सिमम गवर्नर हमारा टॉपिक था और उसका पहला लाइन क्या बता रहा है उसका पहला लाइन हमें बता रहा है गवर्नर शुड नॉट अच्छा इसका जो हम लोग बात करते हैं ग्रामर का अगर ग्रामर का आज का फंडा नंबर वन ये रखा मैंने कि भाई शुड को कब यूज करेंगे एज अ मोडाल और मस्ट को कब यूज करेंगे तो आप लोग बताओगे क्या आंसर एज अ मोडाल वेन टू गो फॉर शुड एंड एज अ मोडाल वेन शुड बी गो फॉर मस्ट। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी शुड एंड मस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है शुड एंड मास्ट का तो देखो अगर मैं आप लोगों के बारे में बात बात कर रही हूं तो आप सारे लोगों को अच्छे से मेहनत करना चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए है ना तो आई एम टॉकिंग अबाउट यू पीपल के आप लोगों को मेहनत करना चाहिए और दूसरा मैंने स्टेटमेंट बोला आपको मेहनत करना ही पड़ेगा दोनों में डिफरेंस है ना एक में कहीं ना कहीं ड्यूटी जैसा है और दूसरे में एडवाइस जैसा सुनाई दे रहा है ध्यान रखना चाहिए अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ एडवाइस करना ही पड़ेगा मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते तो जब कभी भी शुड का यूज करेंगे शुड यूज होता है एडवाइस देने के लिए और मस्ट का यूज करेंगे तो मस्ट बताता है ड्यूटी मतलब जो काम को आप इग्नोर नहीं कर सकते उसमें आप मस्ट को यूज करोगे और जो आप किसी को सलाह दे रहे हो सजेशन दे रहे हो वहां पे आप शुड वर्ड को यूज करोगे ठीक है तो करना चाहिए होगा शुड करना ही पड़ेगा दिस इज मस्ट इज इट क्लियर लेट स्टार्ट विद द आर्टिकल मिस यूज ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस यहाँ पे गवर्नर्स ऑफिस का मतलब वही चार दिवालियों यहाँ पे एक्चुअली ये फ्रेज क्या इंडिकेट कर रहा है पावर है ना गवर्नर के पावर के बारे में बातचीत चल रहा है गवर्नर्स ऑफिस टू अंडर माइंड कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द टर्म अंडर माइंड क्या आप में से कोई मुझे अंडर माइंड का मीनिंग बताओगे क्या यू एन डी आर एम आई एन ई अंडर माइंड गिव इट टू ट्राई अंडर का मतलब जितने भी लोग अभी हमारे साथ हैं माधुरी हिमांशु शशि बाबू लाल फिर उसके बाद शिवम पलक आप लोग बताओगे क्या शिफा आप सारे लोग ट्राई करो अंडर माइंड मीन बाई दर्म अंडर माइंड अच्छा अंडर है ना अंडर का मतलब किसी भी चीज को नीचे की तरफ करना अंडर वर्ड आप लोग पढ़े हो होना अंडर क्या बताता है कोई भी चीज को नीचे तो आपका लेवल है टेन परसेंट अब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वो गिर गया हो गया वन परसेंट है ना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टेन परसेंट था अभी आप एकदम पढ़ाई छोड़ दिए तो वन परसेंट हो गया तो आपने क्या किया आपने अपने प्रिपरेशन को अंडरमाइंड किया मतलब बर्बाद कर दिया है ना तो अंडर का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो वट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अंडर डिटोरिएट है कि नहीं बर्बाद कर देना सोनो yes राइट right? या तो हम लोग इस तरीके से ये टर्म भी बोल सकते हैं डिटोरिएट uh, बोल सकते हैं बट टू रिड्यूस टू रिड्यूस अगर वर्ड लिखा जाए टू रिड्यूस वंस स्ट्रेंथ चीजों को ज्यादा फ्रजाइल कर देना ठीक है अंडरमाइंड का मतलब होता है उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसका जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देना द मिसयूज ऑफ गवर्नर ड्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट इज अ डिसरप्शन ऑफ फेडरलिज्म तो गवर्नर के पावर को यूज करके स्टेट को नाकाम करना मतलब स्टेट कुछ भी करने जा रहे है गवर्नमेंट वहां पे बाधा दे रहे हैं ये जो मिशीवियस एक डिसरप्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है फेडरलिज्म का अगर फेडरलिज्म होगा, फेडरलिज्म का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट कब बोलते हैं? बताइए फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है इंडिया में फेडरल गवर्निंग सिस्टम है तो आप लोग बताइए फेडरल गवर्नमेंट मींस एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट होगा है ना स्टेट गवर्नमेंट अपना अपने तरीके से काम करेगा और उसको मैनिपुलेट करने के लिए या स्क्रूटिनाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को फेडरलिज्म बोलेंगे फाइन नेक्स्ट उसके बाद केरला गवर्नमेंट गवर्नर सॉरी केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खानस फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आरिफ मोहम्मद खान फ्रीक्वेंट यूज ऑफ हिज पावर ओरेटरी ओरेटरी पावरफुल ओरेटरी का मतलब बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पावरफुल ओरेटरी जल्दी जल्दी बताइए और जितने भी लोग अभी हमारे साथ लाइव हो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर अब तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिए देखो कोई फोर्सफुल नहीं है अगर आपको अच्छा लग रहा है देन यू कैन गो फॉर इट और जैसे आप लोगों ने मुझे सजेशन सजेशन दिया था कि कि मैम मैम डिस्क्रिप्टिव कराइए तो हमने उसको भी ऐड किया कल या परसों एक आया कि मैं अगर 10 मिनट्स का डिबेट हो पाए कोई टॉपिक पे तो उसके बारे में भी सोचा जा रहा है बहुत जल्द कोशिश करे कि उसको भी इम्प्लीमेंट कर दे है ना तो देखो क्या बोलेंगे केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान फ्रिक्वेंट यूज ऑफ इज पावरफुल ओरिटरी ओरेटरी का मतलब बताइए या ओरेटर वर्ड का मतलब बताइए ओ आर ए टी ओ आर पहले आप ओरेटर का मतलब बता दो ओरेटरी खुद में खुद हो जाएगा बताइए ओरेटरी का मतलब यस पावरफुल ओरेटरी का ओरेटर किसको बोलते हैं वन हु स्पीक्स गुड है, है कि नहीं जो बहुत अच्छा भाषण दे पाए स्किल टू स्पीक टू पीपल वेरी गुड जो बहुत अच्छा भाषण दे पाता है ना अपने भाषण से लोगों को मैनिपुलेट कर पाता है उसको बोलते ओरेटर तो बोलेंगे क्या वन हु कैन गिव गुड स्पीचेस ठीक है गुड टू स्पीक ऐसे बोलेंगे हम लोग गुड टू स्पीक हाउ वी आर गोइंग टू say. ओके आगे बढ़ते हैं टू डिफेंड द सेंटर एंड क्वेश्चन द स्टेट ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स मेक्स हिम पार्टीशियन अच्छा एक बात बताइए तो कर क्या रहे हैं ये मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान वो अक्सर अपने ओरेटरी पावर को यूज कर रहे हैं किसको डिफेंड करने के लिए किसको बचाने के लिए डिफेंड का मतलब टू सपोर्ट डिफेंड का मतलब होता है टू सपोर्ट फाइन ही इज ट्राइंग टू यूज और मेक फ्रीक्वेंट यूजेस ऑफ दिस पावरफुल ओरिटरी टू डिफेंड द स्टेट एंड क्वेश्चन सॉरी टू डिफेंड द सेंटर एंड क्वेश्चन द स्टेट सेंटर को बचा रहे हैं और स्टेट को क्या कर रहे हैं डिफेंड कर रहे हैं नहीं डियर डिफिकल्ट नहीं होगा माधुरी आप जिस एग्जाम के बारे में पूछ रहे हो सेम रहेगा या तो ईजी रहेगा डियर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं रहेगा नेक्स्ट उसके बाद एंड क्वेश्चन द स्टेट अच्छा पार्टीशियन का मतलब बताइए पी ए आर टी आई एस एन पार्टीशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पार्टीशन नाम से लग रहा है ना कुछ पार्ट पार्ट करेगा यस yes ऑनो no? जब अपने लोग पार्टीशन बोल रहे सुन के ही लग रहा है ना कुछ पार्टीशन 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 ऑफ बंगाल जैसा यस yes ऑनो no? तो क्या किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल ने क्या किया बताइए या पार्टीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ये yes no? तो आप लोग बताइए पार्टीशन का मतलब होता है पार्शियली है ना पार्टीशन जब कभी भी आप वर्ड को यूज करोगे उसका मीनिंग आएगा पार्शियली फाइन पार्शियल आधा आधा एंड अंडरमाइंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और वो क्या कर रहे हैं वो खराब कर रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को या कमजोर बना रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जिस थीम के ऊपर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसी को वो क्या कर रहे हैं डगमगा दे रहे हैं कैसे अपना बार बार वेटो पावर यूज करके के अपने पावर को यूज करके वो स्टेट को सेंटर को बचा रहे हैं और स्टेट को नीचा दिखा रहे हैं फाइन नेक्स्ट His refusal to convene a special session of Kerala Assembly on December 23, as initially requested by the government, yet again proved this. to unhone kya kiya unhone saaf saaf clear shabdon mein inkar kar diya kya बताइए। Convene का मतलब क्या है? Call a special session. Convene का मतलब होता है to call, to call. Fine. जैसे कोई special session हम लोग arrange करना चाह रहे, मान लो आपके request से मैंने संडे स्पेशल सेशन रखने का प्लानिंग किया मैंने सोचा कि इस ना मैं क्लास के आप के लिए ये स्पेशल, आ, एक सेशन रखूंगी सो इन दैट वेरी सिचुएशन वुट हैपन मैंने ये प्रपोजल आगे फॉरवर्ड किया मैनेजमेंट में क्योंकि संडे का शेड्यूल पूरा बिजी चलता है मुझे स्लॉट खाली नहीं मिला और मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो इसी तरीके से गवर्नर ने भी एक केरला असेंबली का तेईस तारीख का एक स्पेशल सेशन का रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है ना ही रिफ्यूजल टू कॉल ट्वेंटी 23 इस बात को फिर से पुख्ता कर दिया इस बात को फिर से प्रूफ कर दिया कि वो सेंटर को बचाता है और स्टेट के साथ वो कोऑपरेट नहीं करता आगे पढ़ते ही क्वेश्चन द अर्जेंसी ऑफ द स्पेशल सेशन उन्होंने ये बोला क्या जल्दी है इतना जल्दी बाजी में क्यों हम लोग सेशन को कॉल कर रहे हैं द असेंबली में नहीं है लैक्ट का मतलब नहीं है दूरिसन असेंबली के पास ये राइट right ही नहीं है ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो कोई सोल्यूशन में आए मतलब उनको लगा किसको को गवर्नर को लगा टू दस प्रोटेस्ट फार्मर के प्रोटेस्ट को रोकने का या उसके सोल्यूशन तक पहुंचने का इनके पास कोई हकी नहीं है और ना ही इनके पास दिमाग है कि ये लोग कुछ सोच पाए एन इशू विच दी वॉन्टेडन के द्वारा डिसेम्बर ट्वेंटी थ्री में केरला असेंबली ने जो स्पेशल स्पेशल सेशन का रिक्वेस्ट किया था उसमें वो लोग क्या डिस्कस करने वाले थे फार्मर्स प्रोटेस्ट को डिस्कस करने वाले थे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सोलूशन को भी है ना चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट उसके बाद दिस इज एन एनक्रोचमेंट अपॉन कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिक्यूलर आप लोग तो ट्राई करो करेक्ट रोहित मिस यूज करना एकदम करेक्ट आंसर दिया एनक्रोचमेंट अपॉन का मीनिंग बताइए वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एनक्रोचमेंट अपॉन क्या है एंक्रोचमेंट अपॉन का मीनिंग किसी के ऊपर अधिकार जमा लेना है ना तो एंक्रोचमेंट अपॉन का मीनिंग हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग और समवंस राइट ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग क्या एनक्रोचमेंट अपॉन फाइन स्टार्ट दिस इज एन एन एनक्रोचमेंट अपॉन द द द पावर्स ऑफ ऑफ लेजिस्लेचर एंड एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट अब्यूज लेथोरिटी एज अ नॉमिनल है तो ये क्या है ये उनके पावर्स को है ना लेजिस्लेटिव पावर्स को असेंबली का खुद का भी पावर है उसके ऊपर ये गवर्नर जी क्या करना चाह रहे हैं ये कब्जा जमाना चाह रहे हैं ना ये क्या करना चाह रहे उसको नीचा दिखा कि ये सेंटर को सपोर्ट करना चाह रहे तो दिस इज एन एनक्रोचमेंट अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एन अब्यूज टू हिज ऑथोरिटी एज अ नॉमिनल हेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और वो अपने को बदनाम कर रहे हैं ठीक है मेरे पास पावर है अगर मैं उस पावर का मिसयूज करूंगी तो मैं अपने औहे को बदनाम करूंगी ना सो दिस इज वॉट यहाँ पे गवर्नर के जो कॉन्जिक्यूटिव एक्शन है ना उससे यही प्रूफ हो रहा है कि इज नो लॉन्गर एक्टिंग विद इन द परव्यू ऑफ हिस्स पावर एन एजेंट ऑफ द सेंटर एंड ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट फाइट नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड हिस्स कंडक्ट वॉज कंपेरेबल टू दैट अच्छा देखो यहाँ पे हमारे ग्रामर का फंडा नंबर टू कंपेयर जो वर्ड है वो अपने साथ विथ भी लेता है और अपने साथ टू भी लेता है आप में से कौन ट्राई करना चाहेगा कि कंपेयर वेन कंपेयर इज फॉलोड बाय विथ एंड वेन कंपेयर इज फॉलोड बाय टू कंपेयर टू कब होगा कंपेयर विथ कब होगा बताइए सर आप लोग बताओ शिवम बताओ शांकोर ब्रिज या तो गणेश सर आप लोग बताइए कंपेयर विथ कब यूज करेंगे कंपेयर टू को कब यूज करेंगे ये वि बता दो ना अगर हम लोग सिंपली विद का मतलब आपसे पूछे तो आप लोग बोलोगे क्या टुगेदर ना साथ में है क्या नहीं तो आप लोग बताइए साथ में तब होते हैं जब एक जैसे होते हैं ये सो नो राइट आप सारे लोग इकट्ठा इस क्लास में अभी 139 थर्टी नाइन पीपल लाइव इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप सबके कोई ना कोई एग्जाम में एडिटोरियल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन आपके एग्जाम में अगर एडिटोरियल का कोई रेलिवेंस ही नहीं होता तो क्या अभी आप लोग लाइव आके पढ़ते नहीं पढ़ते है ना तो आप लोग मुझे बताइए ये जो कंपेयर विथ का बात कर रहे हैं या कंपेयर टू का बात कर रही है क्या बता रहा है हमें क्या बता रहा है विथ तब यूज करेंगे वेन द कंपेरिजन

ठीक है तो ये याद रखना कि कंपेयर टू को कब यूज करते हैं और कंपेयर विद को कब यूज करते हैं दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू से इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस या नो जल्दी जल्दी बताइए क्लियर है ना आगे पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ हिज काउंटर पार्ट इन राजस्थान हु रिफ्यूजेज टू कन्वेन कन्वेन का मीनिंग अभी अभी हमने देखा था अ सेशन ऑफ कॉल फॉर अ सेशन ऑफ द असेंबली इन जुलाई लास्ट ईयर एज डिमांडेड बाय द चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा काम किया जैसा कुछ महीने पहले राजस्थान के गवर्नर ने किया था काउंटर पार्ट मतलब वो भी गवर्नर ही थे काउंटर पार्ट का मतलब एक ही औदे में है ना हु रिफ्यूज टू कन्वेन जो कि एक चीफ मिनिस्टर द्वारा बुलाए गए सेशन को मना कर दिया गया था है ना केरला चीफ मिनिस्टर पिन राज्य विजयन रोड टू मिस्टर खान स्टेटिंग द गवर्नर है पावर

असेंबली के सेशंस को रोके और अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है तो वो असंवैधानिक है मतलब क्या संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन उसके अगेंस्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है गॉट इट नेक्स्ट उसके बाद दिस पोजीशन वाज सपोर्टेड दिस पोजीशन वाज सपोर्टेड बाय ऑपोजिशन टू मतलब ये जो मुद्दा है इसको ओपोजिशन भी एक साथ आके सपोर्ट कर रही है थैंकफुली द गवर्नमेंट मेड एन अमेंडमेंट रिक्वेस्ट फॉर कन्वीनिंग द सेशन एंड द गवर्नर एक्सेप्टेड इट तो फिर से फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट डाला गवर्नमेंट ने फिर से गवर्नर के पास रिक्वेस्ट डाला और अंत में जाके वो क्या कर लिए उसको एक्सेप्ट कर लिए मिस्टर हैड अर्लियर अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द केरल असेंबली ऑन द सिटीजनशिप एक्ट इससे पहले मिस्टर खान ने क्या किया था इससे पहले अपने दायरे से बाहर निकल के उन्होंने क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट को कि तुमने जो नया एक अमेंडमेंट uh, किया है या जो भी रेजोल्यूशन लिया है किसके रिगार्डिंग सी ए टी है ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट uh, जो भी एक्ट है वगैरह वगैरह सी ए ए सॉरी सी ए टी नहीं सी ए फाइन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो इसके रिगार्डिंग जो भी रेजोल्यूशन लिया था केरल गवर्नमेंट केरल केरला के असेंबली ने या केरला के गवर्नमेंट ने

राइट है उससे वो दायरे से बाहर निकलना चाह रहे हैं हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे असेंब्ली है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव कर रहे हैं अगर वो डिस करते हैं पार्लियामेंट के साथ तो ये तो गलत बात है ना ये yes, सोनो no, ये तो गलत बात है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के साथ ओपिनियन में मैच नहीं किया तो क्या वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है ना लेकिन इस इस पर्टिकुलर प्रेजेंट सिचुएशन में तो ऐसा ही दिख रहा है कि सेंटर जो भी करना चाह रहे हैं हमारे जो मिस्टर खान जो पर्टिकुलर एक गवर्नर है वो क्या कर रहे हैं बाधा दे रहे हैं और उस चीज काम को रोक रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं बाई लेंडिंग हिमसेल्फ एंड हिज ऑफिस टू सच पार्टीशन तो so, अपने को, अपने गरिमा को इस तरीके से बर्बाद करके वो अपना पर्सनल रेपुटेशन भी खराब कर रहे हैं तो डिस इंज का मतलब हम लोग बोल सकते हैं uh, मतलब हम लोग बोल सकते हैं डैमेज तो वो अपने को अपने uh, क्या बोलेंगे रेपुटेशन को भी डैमेज कर रहे हैं एज अ फ्यर माइंडेड पब्लिक फिगर तो वो बहुत ही उनके लिए कोई पार्शियलिटी नहीं करते है ना डिसीजन नहीं देते लेकिन अभी जो उनका एक्टिविटीज दिख रहा है उससे वो अपने पर्सनल रेपुटेशन को भी क्या कर रहे हैं है। क्योंकि दिख रहा है क्लियरली वो सेंटर को सपोर्ट करे और स्टेट्स को रिजेक्ट कर रहे सच कंडक्ट बाई अ गवर्नर कैन वीक फेडरलिज्म अगर ऐसा काम कोई गवर्नर करे तो उससे क्या होगा इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम है वो क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा गुरुदर्शन यस यहाँ पे मीनिंग हो रहा है कि वो बायस यहाँ पे लग रहा है इस पैसेज को पढ़ के लग रहा है कि वो बायस है इवेंट द कॉन्ट्रोवर्सी ओवर शेडोड ओवर शेडोड का मतलब बताइए

ये इसके ऊपर एक सेशन रखा गया था दिसंबर 31 में लेकिन गवर्नर के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया कि ये वाला सेशन दब गया ओवर का मतलब जस्ट टू सुपर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं फाइन वो घो जाना नेक्स्ट उसके बाद अ रेजोल्यूशन पास विद द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग एल डी एफ एंड द ऑपोजिशन यूडीएफ एंड अनोज बाई द लोन बीजेपी मेंबर मेंोसीड्यूरियल एंड सब रिलेटेड टू दिस लॉ मतलब प्रोसीड्यूरियल और सबसे जो क्वेश्चन किया जाएगा किस तरीके से कौन से इनिशियेटिव को अंजाम तक पहुंचा जाएगा ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये किसी ने किसी ने भी इसका ना आंसर दिया है और ना इस क्वेश्चन को पूछने से रोका है तो एल डी एफ जो रूलिंग पार्टी है अभी वहां का उन्होंने भी समर्थन किया UDF, उन्होंने भी समर्थन किया एंड बाय बाई लोन बीजेपी और बीजेपी के जो मेंबर्स है ना या बीजेपी के जो मेंबर है वो भी उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं है कि नहीं चलो नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है द रेजोल्यूशन पॉइंटेड आउट द एग्रीकल्चर वॉज पॉइंटेड आउट का मतलब क्या करना हाईलाइट करना Yes or no? What is the meaning of the term pointed out? Pointed out का मतलब होता है highlight करना. The resolution pointed out the agriculture uh, that agriculture was a state subject. मतलब ये जो agriculture है हमारा वो कौन से list में आता है? State list में आता है. And as a matter that seriously affects the state, the bill should have discussed in a meeting of their interstate council. मतलब जिस चीज से आप लोग involve हो, जैसे देखो मैं कोई भी चीज नया start करने का सोचती हूँ तो पहले आप लोगों से पूछती हूँ ना मैंने आप ही लोगों से डिस्कशन किया कि कि लास्ट क्लास में जो एक सजेशन मुझे मिला था कि दस मिनट का डिबेट करवाया जाए तो उस डिबेट में है ना वो जो डिबेट सेशन था उस डिबेट सेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे किस तरीके से प्लान करेंगे कौन से दिन में रखा जाएगा ये सारा आप ही लोग मुझे सजेस्ट करोगे है कि नहीं तो इन दैट वेरी सिचुएशन बोला जा रहा है जिस मामले में आप लोग इन्वॉल्व हो जिस मामले में स्टेट इन्वॉल्व है उसको उसके बारे में कुछ भी डिसाइड करने से पहले स्टेट को तो पूछना चाहिए था ना उसके साथ डिस्कस करना चाहिए था फिर बोला जा रहा है क्या द बिल्स वे पास इनबड़ी में इतने हड़बड़ी में उसको पास किया गया कि जो स्टैंडिंग कमिटी है पार्लियामेंट का उनके साथ भी डिस्कशन नहीं हुआ विथ द असेंबली टर्म एज सीरियस मैटर और उस बिल को सीरियस मैटर बोल के एकदम तुरंत तुरंत पास करवा दिया गया फिर आगे देखो इट द सेंटर अब ये ना सेंटर का हैबिट बन गया है टू ओवर लुक रीजनल कंसर्न और वो स्टेट टू स्टेट रीजन टू रीजन नहीं कंसिडर कर रहा है कि इस रीजन में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा दूसरे रीजन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो इन जनरल जो आ रहा है मन में वो कर रहा है मनमानी कर रहा है एंड मेकिंग द फार्म लॉ विथ उट कंसल्टिंग से स्टेट वॉज इन लाइन विद द ट्रेंड मतलब क्या क्योंकि देखा जा रहा है आजकल गवर्नमेंट अपना मनमानी कर रहा है तो ये बिल को आ, पास करवा लेना बहुत बड़ा बात नहीं है ये तो ट्रेंडिंग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल अपना मनमानी कर रहा है वो स्टेट के मुश्किलों के बारे में स्टेट के या रीजनल कंसर्ट के बारे में लीस्ट मॉडर्ड है तो इन लाइन विद द ट्रेंड का मतलब क्या है बताइए समथिंग दैट इज पॉपुलरली डन है ना द काउंसिल ऑफ स्टेट

काउंसिल ऑफ स्टेट को जान बुझ के अंडरमाइन किया गया है बाय आर्बिटेरिली लेबलिंग बिल्स एज मनी बिल्स केयरलेसली उन बिल्स को जो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको मनी बिल का दे दिया क्या द यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी टू ब्रो बीट ब्रो बीट को मैं बोल्ड करना भूल गई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट ब्रो बीट का मतलब बताइए ये एक ईडियम है इट्स एन ईडियम वर्ड है बी आर ओ डब्ल्यू B E A T bro beat आप लोग ट्राई करो जल्दी-जल्दी कौन बताएगा मुन्नी बताएंगी संजीव बताएंगे पलक या मोहम्मद शबीर बताएंगे ब्रो बीट का मतलब बताओ B R O W B E A T what is the meaning of the term bro beat किसी को तंग करना किसी को परेशान करना जैसे कॉलेज में रैग होना है ना रैगिंग इज अ काइंड ऑफ ब्रो बीटिंग है ना आरबी माइन बाईलिंग मनी बिल्स बिल्स मानी बिल द यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी टू ब्रो बीट ऑपोजिशन ऑपोजिशन को तंग करना परेशान करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसी का यूज कर रहे हैं ऑपोजिशन Ruled state is yet उन ऑपोजिशन पार्टी को नीचा दिखा रहे हो जो चाहे तो आपका क्वेश्चन मतलब आपके एक्टिविटीज को क्वेश्चन कर सकता है जैसे आप सारे लोग अगर मुझे क्वेश्चन कर रहे हो मान लो आप में से कोई है एक पर्सन एज्यूम कर लेते पलक मैम खुब क्वेश्चन पूछती है मुझे ठीक है पलक मैम क्या करती है मुझसे ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है और उससे मैं इरिटेट हो जा रही हूं तो मैंने पलक मैम को ब्लॉक कर दिया ताकि वो मुझसे क्वेश्चन ही ना पूछ पाए तो ये गलत बात है ना आप सारे लोग यहाँ पे जुड़े हो तो क्वेश्चन पूछने के लिए ही और उसी से अगर आपको वंचित कर दिया जाता है तो आप क्लास में जुड़ोगे क्या बिल्कुल नहीं तो वही लास्ट वाला लाइन बता रहा है द यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी सेंट्रल एजेंसी को यूज करके ऑपोजिशन को बुली करना परेशान करना रूल्ड स्टेट स्टेट को चलाना रूल करना इज येट एनदर स्ट्रेन ऑन फेडरलिज्म तो ये फेडरलिज्म जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है हमारे देश में जहां पे बोला जा रहा है सेंटर और स्टेट इक्वल है

ट्रेंड का मीनिंग है शायुनिका दत्ता जैसा फैशन में है इन फैशन नाउ एडेज ऐसे बोलते हैं ना जो चल रहा है जेटा चोलती दैट इज वॉट वी रेफर टू एज इन लाइन विथ दिस ट्रेंड मतलब ट्रेंड के साथ बहना गोट इट आफ्टर दैट थैंक यू रेनु

हो जाएगा. Next, का मतलब हम पता है कि एक जगह ब्रेकअप तो करना, तो करना है ना अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका मतलब असम्बल है कन्वेन का मतलब इकट्ठा करना बुलाना तो जब बुलाना नहीं होता है दूर भागना होता है तभी लोग ब्रेकअप करके भागते हैं ना राइट तो ब्रेकअप या डिजोल्व का मतलब होता है क्या टू एंड समथिंग असेंबल या कॉल का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग तो कन्वेन का मतलब है कॉल करना है ना हामी भरना एक साथ एक साथ हम लोग एक, एक फ्रेज हम लोग यूज करते हैं देखो आप लोग को पता है कि नहीं एम यू एस टी आर मास्टर अप करेज ये फ्रेज सुना है क्या आप लोगों ने बताइए मास्टर मास्टर का मतलब कोई बताएगा क्या विल एनी वन ऑफ यू गिव ट्राई आप लोग तो ट्राई करो ना नहीं हुआ तो आल हेल्प यू आउट सही हो गलत हो पहला ट्राई पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए मास्टर अप करेज का मतलब हितेश सर आप ट्राई करोगे क्या या माधुरी मैम या तो कुंदन सर कौन ट्राई करेंगे मास्टर अप करेज का मतलब हिम्मत जुटाके हिम्मत जुटाके तो इसका मीनिंग होगा क्या गैदर करेज टू डू समथिंग हिम्मत करके कर डालो काम को उसको हम लोग बोलते हैं मास्टर हिम्मत जुटाके इट नेक्स्ट उसके बाद हमारे पहले वर्ड थे क्या डिस्क्रिएशनरी पढ़ चुके हैं हम लोग उसके बाद डिस इंजीनियर्स ये भी पढ़ चुके हैं कोई भी चीज जो फॉल्स होता है उसको डिस इंजीनियर्स बोलेंगे तो जो कैंडिड है जेन्युन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे

तो वो तो हम धोखा दे रहे हैं है कि नहीं उसके लिए स्पेशली हम कोई प्लानिंग किए हैं तो disingenuous का मतलब एक्चुअली होता है फॉल्स मतलब deceitful, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कैंडिड या तो जेन्युइन लेट्स प्रोसीड फर्दर बिस्मर्च का मतलब तबाह कर देना कोई भी चीज को बर्बाद करने को बिस्मर्चिंग बोलेंगे एंड द लास्ट वोकैबुलरी जो हमारा है यहाँ पे वो है आर्बिटरीली आर्बिट्रेटर आप लोग को पता होगा आरबी ट्रेटर जितने भी लोग कॉमर्स या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो वो लोग मुझे आरबी ट्रेटर का मतलब बताइए आरबी ट्रेटर किसको बोलते हैं ओके डियर महिंद्रा के इंक्वायरी का नंबर आपको एकदम बता दिया जाएगा डू नॉट वरी टोल फ्री नंबर आपका है वन एट डबल जीरो वन जीरो थ्री फाइव टू टू फाइव ये है आपका महिंद्रा का इंक्वायरी का टोल फ्री नंबर ठीक है और ये क्वेश्चन था किसका चलो स्क्रॉल अप हो गया है तो आई एम नॉट रीडिंग योर नेम आप देख लेना महिंद्रा का टोल फ्री नंबर कोई पूछ रहे थे कि क्या है मैडम बता दीजिए सो आई हैव रिटन इट हियर आप यहां से नोट कर लो ओके okay? चलिए आरबी ट्रेडर का मतलब अभी तक आया नहीं है कैजुअल ट्रेडर एकदम करेक्ट आरबी ट्रेडर का मतलब कैजुअल ट्रेडर एग्जैक्टली नहीं नेगोशिएटर इज अ करेक्ट आंसर डिक्टेटर हाँ बोल सकते हैं चलो मैंने क्या किया मैंने कोलकाता से कोई सामान खरीदा आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम माय नियरेस्ट है ना मेरे नियरेस्ट क्या है कोलकाता है कोलकाता से कोई सामान खरीदा और ले जाके किसी दूसरे स्टेट में बेच दिया यहाँ पे दाम था उसका दस रुपए यहाँ पे दाम है उसका फिफ्टी रुपी तो मेरा कितने का प्रॉफिट हो गया फोर्टी का ना तो मैं हूं आरबी ट्रेडर, मैं हूं आरबी ट्रेडर, तो क्या बोलेंगे आरबी टेरिली का मतलब इन अ कैजुअल इन मैनर कैप्रिशियसली मतलब केयरलेसली तो आरबी ट्रेटरिली का मतलब क्या होगा केयरलेसली ज्यादा हमको मेहनत करना पड़ा क्या एक जगह से खरीदा दूसरी जगह पे जाके बेच दिया मेरा मेहनत तो उतना ज्यादा नहीं पड़ा अगर इसी प्रोडक्ट को बना के बेचना होता तो ज्यादा एफर्ट लगता तो ऐसे टाइप की चीजों को आरबी वर्ड से रेफर करेंगे गॉट इट राजेश सर का एस बी आई सिलेक्शन हो गया है दैट्स अ वेरी गुड थिंग बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये सारा बात बताते हो है ना लगता है कि जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है फाइन चलो आगे बढ़ते हैं अरे इसमें क्वेश्चन कहाँ चला गया ये रहा बताइए जल्दी जल्दी ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो मंडे से वो मुझे थोड़ा सा समय दे मैं टाइम कल बिल्कुल नहीं निकाल पाई पूरा दिन मेरा रिव्यू में चला गया तो पेपर चेक हम करके अपलोड नहीं कर पाए उसी का हम वेट हैं पहले चेक करके अपलोड कर देते हैं सबको अपनी अपनी खामियां पता चल जाएगी फिर हम नाम डिस्प्ले करेंगे लास्ट वीक का जो विनर होगा, है ना? चलो बताओ और अहिरवाल सर का एनडीए रिटर्न क्लियर हुआ है दैट्स अ वेरी गुड न्यूज सुबह सुबह आप लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूज सुना रहे हो और इसीलिए शिवम सर सबको रोशोग्ले का ट्रीट दे रहे हैं चलिए स्टार्ट करें राइट्स मींस कमरंद। अब मीन्स कमरंद वर्ड मैंने तो पहले नहीं सुना है कमरकंद फॉर्जरी का मतलब धोखा देना डुप्लीकेट करना डुप्लीकेसी है ना जैसे आप किसी को चीट करके ठग के अगर कोई बेनिफिट ले रहे हो तो उसको फॉर्जरी बोलते हैं डियर ओके चलो सो so, फॉर्जरी का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नो फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स राइट और उसके बाद अगर रिट्स का बात करेंगे तो जो भी रिचुअल्स होते हैं ना जो भी रिचुअल्स होते हैं रिलीजियस एक्ट्स पूजा का अलग अलग विधि होता है फाइन अलग अलग नियम होजो पाठे दैट इज वॉट वी रेफर टू एज रिट्स डब्ल्यू आर आई टी ई एस वो नहीं आर आई टी एस एक इशू होता है कोर्ट में रिट इशू होता है फंडामेंटल राइट right, जब ऑब्लिगेटरी नहीं होता उसको अगर वैलिड uh, नहीं माना जाता तो अलग अलग रिट्स इशू होते हैं तो वो अलग है ये अलग है डब्ल्यू नहीं है इसका मतलब रिचुअल्स yes, एकदम करेक्ट आदर्श रिचुअल्स होता है फाइन नेक्स्ट उसके बाद इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी इस ईडीएम का आंसर बताइए लीप्स एंड बाउंड फटाफट लेट सी सबसे पहला आंसर कौन बताता है आप में से सबसे पहला आंसर कौन बताता है जल्दी जल्दी बताओ He was progressing by leaps and bounds because of his hard work. बांग्ला बांग ते एक्सप्लेन कर अच्छा ठीक है चेष्टा कर अभी बट बंगाली uh, में एक्सप्लेन करेंगे तो नाइन्टी परसेंट लोगों को नहीं समझ में आएगा करेक्ट आंसर एब्सल्यूटली करेक्ट ऑल ऑफ यू हैव इट करेक्टली, रैपिडली। बाय एंड का मतलब है उछल कूद के मतलब रैपिडली वेरी गुड अबाउट द नेक्स्ट वन हरकुलियन टास्क लेट सी इस बार कौन सबसे पहले आंसर देते हैं हरकुल टास्क क्या होगा बताओ करेक्ट हितेश दिन दुगनी रात चौगनी ये वाला है बाय लीव्स एंड बाउंड्स का हिंदी ट्रांसलेशन वेरी गुड हरक्यूलियन टास्क इसका मतलब क्या होगा हरक्यूलिस किसके देवता माने जाते हैं स्ट्रेंथ के ना हरक्यूलिस मूवी आपने देखा होगा तो वो किसके देवता माने जाते हैं स्ट्रेंथ के तो आप मुझे बताइए हरक्यूलियन टास्क को हम लोग कैसे रेफर करेंगे एक ऐसा टास्क जिसमें हरक्यूलिस को ही बुलाना पड़ेगा का काम को करने के लिए वेरी गुड दैट इन्वॉल्व ग्रेट एफर्ट्स इट क्लियर जिसमें बहुत सारा एफर्ट चाहिए बहुत मेहनत का काम है उसको हम लोग बोलेंगे हरक्यूलियन टास्क वेरी गुड एब्सोल्युटली करेक्ट तो हम आज का सेशन यहीं पे ओवर करना चाहेंगे अगर कुछ भी डाउट या क्वारी होता है आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दो एस टी कार्ड अवेलेबल है एस एस सी सीजीएल का फॉर्म फिलअप आप लोग कर चुके होंगे तो ये एस टी कार्ड आप लोग अवेल करके अपने आप को और बेटर प्रिपेयर करवा सकते हो फाइन और देखो एक सीजीएल के ऊपर है एक सी एच एस एल के ऊपर है और टू थाउजेंड नाइनटीन एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी के सारे शिफ्ट के ईच एंड एवरी पेपर विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहां पे अवेलेबल है फाइन और प्राइस भी ज्यादा नहीं रखा गया इट्स जस्ट वन फोर्टी नाइन जिसके ऊपर एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू पीपल यूज दिस कोड एम के एच एस पी सी और अगर ये वैलिड नहीं हो रहा है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो एनी ऑफ दिस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी डाउट या क्वाइरी है तो ये दोनों चैनल है आपके सामने आप कहीं पे भी अपने डाउट या क्वायरी पूछ सकते हो ओके सो विथ दिस आई एम गोइंग टू एंड टूडे सेशन मिलते हैं फिर से साढ़े नौ बजे विद समैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू आई बी ओके okay. चलिए देन अच्छा किसी का भी अगर एडवर्व चैप्टर में डाउट है तो वो लोग साढ़े नौ बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा आज हम लोग एडवर्व के थोड़े बेसिक रूल्स और उसके थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ हमारा सेशन को कंक्लूड करेंगे नाइन थर्टी वाला ठीक है टिल देन बाय बाय थैंक यू ऑल ऑफ यू सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और जितने भी लोग आज नए जुड़े हो हमारे साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आपका एक भी क्लास ना छूटे ओके चलिए मिलते हैं फिर साढ़े नौ बजे